हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स से कवर करेंगे पुरस्कार और सम्मान 2021 के न्यू अपडेट के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले बात करते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है मकर लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो मलयालम में बनी है, इसके लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रही है छिछोरे, निर्देशक रहे इसके श्रीराम राघवन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मनोज वाजपेयी, इसे भोसले मूवी व धनुष को असुरन मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखिए, कंगना रनौत है, इन्हें फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं संजय पूरन सिंह चौहान, इन्हें 72 हुरेन मूवी के लिए दिया गया है। इसके बाद देखिए 74वां कान फिल्म पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है टाइटन, जूलिया डुको। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है काल्बे लॉन्ड्री जॉन्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रेनेट रिंसवे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है लियोस कोराक्स। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र बनाया है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, पायल कपाड़िया, ये भारत की है, इन्हें दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं, 93वां ऑस्कर पुरस्कार था 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है नोमैडलैंड, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्लो झाओ, फिल्म नोमैडलैंड के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एंथोनी हॉपकिंग, फिल्म द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, फिल्म नोमैडलैंड के लिए मिला है। ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं, 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर है फोकलोर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है एवरीथिंग आई वांटेड, सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम है द न्यू एब्रारमल। सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग है सेवेज। सर्वश्रेष्ठ देश गीत है ऑल द गुड टाइम। उसके बाद देखिए बात करते हैं 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है थप्पड़, इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं ओम राउत, फिल्म तानहाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं इरफान खान, फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है तापसी पन्नू, फिल्म थप्पड़ के लिए मिला है। इसके बाद बाफ्टा पुरस्कार की बात करते हैं, 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इनके हिसाब से नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्लो झाओ, फिल्म नोमैडलैंड के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एंथनी हॉपकिंग, फिल्म द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, फिल्म नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं पद्म अलंकरण के लिए, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी क्योंकि बहुत सारे नाम हैं इसमें, यहाँ पर बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। कितने लोगों को? 119 व्यक्तियों के नाम हैं इसमें। इसमें से 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 10 पद्म भूषण मिले हैं और 102 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं इसमें, जिन सबके नाम हम अलग अलग से पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो बना के, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो 119 व्यक्तियों को, इसमें से पद्म विभूषण कितने हैं? तो 7 हैं। पद्म भूषण कितने हैं? 10 हैं। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो 102 लोगों को मिला है। ये यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है? हमारे जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं वही देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ही इतने व्यक्तियों को दिया है। इसके बाद देखिए 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। बेस्ट फिल्म ड्रामा में रही है नोमैडलैंड को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। उसके बाद देखिए बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में एंड्रा डी, इन्हें मिला है। बेस्ट एक्टर ड्रामा में चैडविक बोसमैन रहे हैं। बेस्ट डायरेक्टर है चलॉय झाओ।
बेस्ट फिल्म संगीत हास्य के लिए मिला है बोरट सबसीक्वेंट मूवी फिल्म को। उसके बाद देखिए बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा द क्राउन को मिला है। इसके बाद बात करते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। बेस्ट फिल्म है तान्हाजी द अनसिंग वॉरियर के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर है अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण फिल्म छपाक के लिए मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इन्हें मरणोपरांत मिला है। इसके बाद देखिए रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं ये वैक्सीन वैज्ञानिक है। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के हैं ये माइक्रो फाइनेंस अग्रणी है। रॉबर्टो बेलोन दक्षिणी फिलीपींस के हैं एक मछुआरा एवं पर्यावरणविद है ये। स्टीवन मुंसी अमेरिका के एक मानवतावादी हैं ये। वॉच डॉग इंडोनेशियाई मशाल वाहक इनको मिला है क्योंकि ये खोजी पत्रकारिता के लिए इनको दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से इन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कुछ अन्य पुरस्कार इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य 2021 से सम्मानित किया गया है डेविड डियोप को उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है आयान संकटा ये मुंबई के हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भानुमती घिवला को। उसके बाद देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर साइरस पुनावाला को। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है एलेजांड्रो प्रीतो को। उसके बाद देखिए FIH अध्यक्ष पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है वीके पांडियन को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है रॉबर्ट इरविन को। और भी बहुत सारे सम्मान पुरस्कार दिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एक अलग वीडियो बनाई जाएगी पद्म अलंकरण के लिए क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हैं उसको हम अलग से समझेंगे।